पोंग बांध झील और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इस बार हिमाचल में मचल एक वर्ड देखिए, लटक मटक के चलना, मचल मचल के चलना, ऐसा आप वर्ड सुने होंगे, मचल के चलना ऐसा कुछ। और यहाँ पे पोंग बांध है, अगर हम इसे समझे कि पग बांध, आपसे गाना भी सुनेंगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, तो मचल मचल के नाचे, पग बांध, पग में घुंघरू बांध के मचल मचल के डांस करे, ऐसा कुछ। Please subscribe our YouTube channel Study Corner. Press the bell icon and never miss any update. स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं चंदन और आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं ट्रिकी वीडियो के साथ में। और पिछले कुछ वीडियो से मैं देख रहा था कि आप सब बहुत सारे कमेंट कर रहे थे रामसर साइट के लिए, और साथ ही साथ ये भी जानते हुए कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, हर एग्ज़ाम में लगभग, अगर RRB NTPC की बात करें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्वागत है आप सभी का। हम आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी, मतलब कि क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, जो भी पॉइंट बनेगा हर चीज़ का हम आंसर देने वाले हैं। और साथ ही साथ हम लोग ट्रिक से याद करने वाले हैं कि भारत में जो भी 42 रामसर साइट है वो किस राज्य में पड़ते हैं, रिलेट करके याद करेंगे बहुत इजीली, बहुत आसानी से, फटाफट। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न बनता है कि रामसर साइट आखिर है क्या। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम आर्द्रभूमि यानी वेट लैंड को समझेंगे। वेट लैंड, इसको देखिए, यहाँ पे वेट मतलब गीला होता है और लैंड मतलब जमीन होता है, मतलब कि गीली जमीन, और भाषा में कहें तो आर्द्र भूमि भी कहते हैं। तो गीली जमीन से साफ साफ लग रहा है कि कोई नमी वाली जगह, दलदली जगह, ऐसा कुछ। देखिए लिखा भी है कि जहाँ जमीन पानी से ढकी रहती है, जैसे तालाब, झील, नदी का डेल्टा या समुद्र का किनारा, जो भी निचले बाढ़ से आच्छादित रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वेट लैंड या फिर गीली जमीन या फिर आर्द्र भूमि। तो ये जानकारी हुई वेटलैंड क्या है इसके बारे में। थोड़ी सी और जानकारी हम देना चाहेंगे वेटलैंड के बारे में कि वेटलैंड को हम लोग बायोलॉजिकल सुपरमार्केट भी कहते हैं और इसे किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहते हैं। बायोलॉजिकल सुपरमार्केट नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ भी वेटलैंड होंगे, तालाब होगा, जहाँ भी नदियाँ होंगी, वहाँ पर मेंढक, फिर से पशु पक्षी उस पानी का लाभ लेते हैं। और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप का मतलब हो गया कि जिस तरह से किडनी हमारे शरीर के लिए पानी को साफ करने के काम आता है, वैसे ही यह वेटलैंड जो है धरती में पानी के लेयर को बनाए रखने के लिए उसको साफ करके नीचे ले जाता है ना, तो इसलिए ये किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहलाता है। अब ज़्यादा हम इस पर जोर नहीं देते, तो सब आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट क्यों नाम पर है इसके लिए, ये वेटलैंड जो है कहीं ना कहीं विलुप्त होने लगा या फिर इन पर संकट मंडराने लगा। संकट मंडराने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और इन सब के रीजन के पीछे कहीं ना कहीं हम मनुष्य भी हैं, तो इनको बचाने के लिए किसी न किसी संस्था को आगे आना ही था, कोई विश्वव्यापी संस्था। तो समय आया 2 फरवरी 1971 का समय, ध्यान से देखिएगा डेट को। ईरान देश के रामसर शहर में कुछ देशों द्वारा एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में वेटलैंड के प्रोटेक्शन के ऊपर गंभीर चिंता व्यक्त की गई और इसके बारे में सोचना शुरू किया गया। तो आपको एक आभास हो रहा होगा कि रामसर साइट आखिर नाम क्यों पड़ा, वेटलैंड है, अब उस वेटलैंड को बचाने के लिए उसको चुना गया, अब वो चुना गया वेटलैंड क्या कहलाएगा, रामसर साइट, यही कहानी है और कुछ नहीं। बहुत भारी लग रहा था कि रामसर साइट जैसे कोई वेबसाइट हो, ऐसा कुछ। प्रश्न यह भी बनता है कि आखिर रामसर साइट ही नाम क्यों पड़ा। जिस तरह से हमारे देश में बहुत सारे धरोहर स्थल हैं लेकिन उनसे कुछ धरोहर स्थल यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, ठीक है, तो यूनेस्को ने उसको चुना है इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नाम दिया गया। वैसे ही अब वेटलैंड है लेकिन उस वेटलैंड को अगर इस संस्था द्वारा, रामसर वाले संस्था द्वारा चुना गया, तब उसका नाम क्या दिया जाएगा, रामसर साइट, समझ गए। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा जा रहा है उन सब के बारे में जिक्र करेंगे। 2 फरवरी, चूंकि इस दिन हम बता रहे थे कि शुरुआत की गई, तो इसी 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस यानी कि वेटलैंड डे मनाते हैं, विश्व वेटलैंड डे, क्लियर ना। एक और पॉइंट है कि रामसर जो कन्वेंशन यानी रामसर सम्मेलन पे काम की शुरुआत हुई थी वो 1975 से, इसका उद्घाटन तो 1971 में ही कर दिया गया लेकिन इस पे काम की शुरुआत 1975 से हुई। समय है 21 दिसंबर, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मे बी कि एग्ज़ाम में आपका ईयर पूछेगा तो इस पे ध्यान से देख लीजिए। इस पे काम की शुरुआत 1975 में हुई थी, 1971 में।
अब प्रश्न ये बनेगा कि आखिर इन लोगों ने काम क्या किया है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक विश्व में 2400 से ज़्यादा वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया जा चुका है। 2400 में सबसे पहले किसी ना किसी वेटलैंड से शुरू हुआ होगा, तो वो पहला वेटलैंड है ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, इससे सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया। ठीक, अब देखिए अगर विश्व में बात करेगी सबसे ज़्यादा वेटलैंड किस देश में है, तो हो जाएगा यूके। यूके के पास कितना है, 175, यूनाइटेड किंगडम होगा फुल फॉर्म, और मैक्सिको के पास कितना है, 142। तो नंबर वन पे हो जाएगा यूके और नंबर दो पे हो जाएगा मैक्सिको। नेक्स्ट, भारत के पास कितने रामसर साइट हैं, तो 42 2020 तक, आगे और बढ़ सकते हैं। 2021 के एंड में आपको और देखने को मिलेंगे, 2022 में भी मिलेंगे, तो आगे बढ़ेंगे, लेकिन 2020 तक 42 इंडियन रामसर साइट हैं। 42 इंडियन रामसर साइट में सबसे ज़्यादा जिस राज्य में रामसर साइट है उसका नाम है यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। कितने हैं, 8 रामसर साइट अकेले यूपी में। भारत पहले इस रामसर साइट का हिस्सा नहीं था, भारत शामिल हुआ 1982 में। समय आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 1 फरवरी है, 2 फरवरी को हम लोग आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, लेकिन ठीक एक दिन पहले है। मुझे गूगल पे यही रिजल्ट मिला, मे बी कि आपको 2 फरवरी भी मिल सकता है कि 2 फरवरी को भारत शामिल हुआ है, लेकिन ईयर आपके यही मिलेगा, 1982। क्लियर। अब आपको बता दें कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा रामसर साइट वाला देश है। एग्जाम में पूछेगा तो हो सकता है कि आप मिस कर जाएं, ध्यान दीजिएगा। 3 और पॉइंट आपको बता देते हैं, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप रिवीजन कर सके बाद में। और साथ ही साथ इसके बाद हम लोग 42 जो रामसर साइट हैं इंडिया के, उन्हें हम लोग राज्य के साथ रिलेट करके याद करने वाले हैं। तो 3 पॉइंट में पहला पॉइंट हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो रामसर साइट है उसका नाम है तुम्बा निगड़ी मैंडोम्बे। तुम्बा निगड़ी मैंडोम्बे, और ये किस देश में पड़ता है, कांगो देश में। और 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो ये, 2020 में रामसर साइट का जो थीम था वो था आर्द्र भूमि और जैव विविधता, और इस साल यानी 2021 में आर्द्र भूमि और जल, यह हमारा रामसर साइट का थीम है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आगे बढ़ेंगे 42 भारतीय जो रामसर साइट है उन्हें याद करने के लिए। शुरू करते हैं सबसे पहले वेटलैंड से, जिसका नाम है कोलेरू झील। बता दें कि यह वेटलैंड सबसे पहला भारतीय रामसर साइट बना। क्लियर रखिएगा, सबसे पहला रामसर साइट कौन सा है, कोलेरू झील, या कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अब देखिए ट्रिक से हम इसे रिलेट करना चाहें तो बहुत सिंपल होगा, अगर हम कोलेरू को कलर समझे, कोई रंग, और आंध्र प्रदेश यानी कोई अंधा व्यक्ति जिन्हें दिखाई नहीं देता, तो जाहिर सी बात है जिन्हें दिखाई नहीं देता उन्हें कलर से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ से भी आप सोच सकते हैं कि कलर से किन्हें कोई मतलब नहीं होता, तो जो अंधे होते हैं उन्हें, तो आंध्र प्रदेश एकदम क्लियर है, भूलने का कोई चांस यहाँ से नहीं बनता। ओके, तो अब हम बात करेंगे अगले रामसर साइट के बारे में, और यह है दीपोर बिल, झील नहीं बिल, गूगल आप कर सकते हैं, यह बिल ही है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, और यह असम राज्य में है। आपको बता दें कि दीप मतलब गहरा होता है, इसलिए इसका अन्य नाम गहरा बिल भी है, गहरा बिल या दीपोर बिल। ट्रिक की बात करें अब, तो यहाँ पे दीप लिखा हुआ है, दीप मतलब दीपावली वाली दिया की बात करते हैं, और असम को आसमान समझते हैं, तो आसमान में दिन हो या रात हर समय दीप रहता ही है। अगर डे है तो सूर्य है हमारे दीप, अगर नाइट हो जाए तो ढेर सारे तारे आपके दीप के रूप में होते हैं। तो दीप होता है कहाँ पे, आसमान में। अगला वेटलैंड यानी कि रामसर साइट है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। पक्षी मतलब हो गया बर्ड, और अभयारण्य मतलब हो गया सेंचुरी, तो नल सरोवर बर्ड्स सेंचुरी है कहाँ पर, गुजरात में। याद करने के लिए 3 वर्ड हमारे पास है, नल सरोवर यानी कि तालाब पौंड नदी जो समझिए, और गुजरात में गुजरना वर्ड है। पिक्चर को देखिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको, ये हो गया सरोवर, नदी तालाब सरोवर जो समझिए, और ये हमारा हो गया नल, घर में लगा हुआ नल। इस नल में पानी कैसे आता है, जाहिर सी बात है कि सरोवर से एक पाइप गुजारेंगे, उस पाइप के द्वारा पानी गुजरेगा, तब जाके हमारे नल से पानी आएगा। तो तीनों का तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, नल सरोवर और गुजरना, गुजरेगा सरोवर का पानी नल से, समझ सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट,
चंद्रताल या फिर चंदेरताल वेटलैंड और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। हिमाचल को कर लीजिए हिमालय। चंद्रताल का मतलब हो गया कि चंद्रमा यानी कि मून के बेस में, चंद्र के तल में। जनरली हम लोग बचपन में पिक्चर ड्रॉ करते थे कि हिमालय और सूर्य का चित्र बनाते थे, ऐसे कि हिमालय है ऐसे सूर्य बना देते थे और साइड से क्या करते थे, चिड़िया ऐसे गुजार देते थे, ऐसे चिड़िया उड़ा देते थे, बचपन का ड्रॉ है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सूर्य के तल में हिमालय, सूर्य ताल हिमालय। अगर ये नाइट का पिक्चर होता तो क्या होता, यहाँ पर हम लोग सूर्य की जगह पर क्या करते हैं, यहाँ पर चांद बनाते। तो अब हो गया चांद के तल में हिमालय, यही लिखा हुआ है ना। चंद्र तल क्या है, हिमालय है, यानी कि कोई पहाड़ है। बहुत तेजी से समझ गए, दिमाग से उतरने का कोई चांस ही नहीं है। नेक्स्ट, पोंग बांध झील, और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इस बार हिमाचल में मचल एक वर्ड देखिए, लटक मटक कर चलना, मचल मचल के चलना, ऐसा आप वर्ड सुने होंगे, मचल के चलना ऐसा कुछ। और यहाँ पे पोंग बांध है, अगर हम इसे समझे कि पग बांध, आपसे गाना भी सुनोगे कि पग घुंघरू बांध मीरा नाचे, तो मचल मचल के नाचे, पग बांध, पग में घुंघरू बांध के मचल मचल के डांस करे, ऐसा कुछ। तो मचल हिमाचल प्रदेश, और पोंग बांध यानी कि पग में घुंघरू बांध, ये क्लियर है, समझ होंगे आप। नेक्स्ट है रेणुका वेटलैंड, और यह हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देखिए यहाँ पे माँ चल है, यदि हम मैं चल या फिर माँ चल की बात कर रहे हैं, चलने की बात, और यहाँ पे दौड़ने की बात है। कैसे, रन से रेणुका वर्ड याद आएगा, रन रेणुका, तो ये रन मतलब दौड़ना हो गया, और यहाँ पे चलने की बात हो रही है, माँ चल, मैं चल, कोई भी चल, और उसके बाद यहाँ पे दौड़, रन, क्लियर है, समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट है होकेरा वेटलैंड, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। देखिए यहाँ पे होकेरा को यदि हम हो के रहा ऐसा कुछ कर दे, जैसे हम कह दें कि ये फोन हमारा हो के रहा, ऐसा वर्ड, और ये जम्मू कश्मीर की बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में 370 जब लागू था, तो 370 के पहले क्या लग रहा था, नियम कानून को देख करके लग रहा था कि हमारा देश का तो राज्य है लेकिन किसी और देश का इस पे हक चलता है। लेकिन 370 हट गया, तो अब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा राज्य पूर्णतया हो के रहा। क्या हो के रहा, हमारा अपना राज्य, पूर्णतया अपना राज्य हो के रहा, कौन सा राज्य, जम्मू कश्मीर ही, एकदम सिंपल है, समझ रहे होंगे, दिमाग से बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। नेक्स्ट है सुरेंसर मानसर झील, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। याद करने के लिए गौर कीजिए यहाँ पर, सुरेंसर, ऐसा लग रहा है कोई टीचर हैं, उनका नाम सुरेन है, उनको कह रहे हैं सुरेंसर, उनको कुछ बात बता रहे हैं और मान ही रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, ओ सुरेंसर प्लीज़ मानो सर, हम कसम से बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, सुरेंसर मान जाओ सर, हम कसम से बोल रहे हैं, एकदम क्लीन लाइन है, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला रामसर साइट है तसो मोरीरी, चूँकि टी एस ओ से शुरू होता है इसलिए हम तसो लिख दिए हैं, लेकिन इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन सो मोरीरी होगा, सो मोरीरी, और यह जम्मू कश्मीर राज्य में है। ट्रिप की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 2014 से, जब से नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना है, तब से जम्मू कश्मीर के अलावा कहीं और आतंकी घटना नहीं हुआ है। तो कश्मीर में 2014 से अभी तक 100 से भी ज़्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रिक क्या हुआ, सो मोरेरी, 100 से ज़्यादा आतंकी मोरेरी, और कहाँ पे मोरेरी, कश्मीर में मोरेरी, एकदम क्लियर है, याद रहेगा। आगे है वूलर झील, और ये भी जम्मू कश्मीर में है। वूलर, अभी अभी आपने जाना आतंकी कहाँ पे मरे, सो मोरेरी, जम्मू कश्मीर में, और जो भी आतंकी कहाँ से आ रहे थे, पाकिस्तान से आ रहे थे, तो हम कह सकते हैं कि वो लड़ते हैं हमसे, कौन लड़ते हैं, पाकिस्तानी, और किस लिए लड़ते हैं ये आप जानते हैं, इसीलिए जम्मू कश्मीर के लिए, वो कहते हैं कि हमारा है, हम कहते हैं हमारा है, ठीक है, सच्चाई तो सबको मालूम है किसका है, तो वो लड़ते हैं, किस लिए लड़ते हैं, जम्मू कश्मीर के लिए लड़ते हैं, और 100 मरेरी यानी 100 से अधिक मर गए, कहाँ पर मर गए, जम्मू कश्मीर में मर गए, एकदम क्लियर है। रिविजन भी करना चाहते हैं रिविजन कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, एडजस्ट कीजिएगा, मन करे तो हाफ हाफ करके भी देख लीजिए या फिर पूरा भी देख लीजिए, 42 पॉइंट है, और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन थे, सबको मैं एक साथ कर रहा हूँ, होप आप इन्जॉय कर रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों को शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला रामसर साइट है अष्टमुडी वेटलैंड और सस्तम कोट्टा झील, दोनों का दोनों जो वेटलैंड है वो केरल राज्य में है। दोनों को एक साथ में करने के लिए इसलिए सोचा क्योंकि दोनों अंक से रिलेटेड है, देखिए ना, अष्ट मतलब 8 होता है और सस्तम मतलब 7 होता है, और केरल फॉर करेला अगर समझ लें
तो हम सभी जानते हैं कि करेला बहुत ही कड़वा होता है। खाने के बाद खाने वाले का चेहरे का एक्सप्रेशन कम से कम 7-8 किस्म का ज़रूर होता है, एकदम अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के भांति भांति प्रकार के चेहरे का एक्सप्रेशन बनना। तो कितने तरह के एक्सप्रेशन बनते हैं करेला खाने के बाद, वो आपको अंग के रूप में दिखाई देगा, अष्टमुडी में और सप्तम कुट्टा में। एकदम मिजी है, भूलने का कोई चांस नहीं है, एग्जाम में देखते हैं एकदम फटाक से ठीक होगा। नेक्स्ट देखेंगे वेम्बनाड कोल वेटलैंड, और यह केरल राज्य में है। फिर से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि करेला स्वाद में कड़वा होता है, इसलिए 7-8 टाइप का फेस का एक्सप्रेशन बना रहा था, और इसलिए अब वो बोल रहा है कि वेब ना दो, वेब ना दो मतलब मना कर रहा है, वेब प्लीज मत दो, ना दो, अब हम कल खाएंगे। और ये सब किस बारे में बात हो रहा है, करेला के बारे में बात हो रहा है। और कुछ स्वादिष्ट होता तो बोलता ऐसा नहीं, बोलता वेब प्लीज ना दो, वेब ना दो, कल खाएंगे करेला। एकदम क्लियर है, फनी है, याद रहना बिल्कुल पक्का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भोज वेटलैंड, और यह मध्य प्रदेश राज्य में है। देखिए भोज कब करते हैं इससे संबंधित हम अगर सवाल करें तो हो जाएगा सुबह में हम नाश्ता करते हैं, रात में हो गया डिनर करते हैं। अगर पूछे कि भोज कब करते हैं तो आपका जवाब होगा हम दोपहर में करते हैं, और दोपहर को अन्य भाषा में कहते हैं मध्याह्न। कब करते हैं, मध्याह्न में हम लोग भोज करते हैं। तो भोज देखते ही हमें तुरंत मध्याह्न को मध्य प्रदेश याद आएगा। वैसे भी आप राजा भोज का आप कहानी जानते होंगे, तो राजा भोज संबंधित है मध्य प्रदेश से, ये पहले से देखिए इसमें से आधा से अधिक ना आप जानते ही हैं। नेक्स्ट है हमारा नंदूर मध्य माहेश्वर, और यह महाराष्ट्र राज्य में है। माहेश्वर वर्ड को यदि संधि विच्छेद करें तो होगा महाजोर ईश्वर, महाईश्वर, ठीक है, यानी महा से हमारा महाराष्ट्र है और महा से हमारा महाईश्वर है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कैच हो जाएगा एकदम इजिली। नेक्स्ट लोकटक झील, और यह मणिपुर में है। देखिए मणि कहीं भी रहे अगर किसी का नज़र पड़ जाए तो लोग एक टक से उसको देखते रह जाते हैं, लोग एक टक से देखते रह जाएंगे अगर मणि कहीं दिख जाए। मणि मणिपुर, लोकटक लोकटक झील, क्लियर है। नेक्स्ट रामसर साइट है भीतरकनिका मैंग्रोव, और यह स्थित है ओडिशा राज्य में। ओडिशा राज्य को देखते ही हम लोग तुरंत उड़ने वाली कुछ बात से रिलेट करते हैं, उड़ने वाली बात। अब देखिए एक कमरे में, कमरे के भीतर कोई कण उड़ रहा है, जैसे बिस्तर झटकते हैं या फिर झाड़ू लगाते हैं तो कमरे में पूरा धूल धक्कर भर जाता है, आप बाहर निकल जाते हैं। पूछा जाए कि आप क्यों बाहर निकले हैं तो आप कहते हैं ना कि भीतर कण उड़ रहे हैं, भीतर पूरा धूल उड़ रहा है, भीतर कण उड़ रहे हैं, भीतर कनिका उड़नापुर उड़ीसा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप एकदम क्लियरली समझ जाएँ और इमेजिन भी कर ही रहे होंगे मन में, तो याद रहना बिल्कुल पक्का है। आगे चिल्का झील, और ये उड़ीसा है तो एकदम मिजी है। देखिए एक बार मैं बता दूं कि झील के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप सिंपल सा सर्च कीजिएगा लेक स्टडी कॉर्नर, लेक ट्रिक स्टडी कॉर्नर, कोई भी टॉपिक लिखिएगा लास्ट में स्टडी कॉर्नर जोड़ दीजिएगा, मैंने वीडियो बनाया है तो आपको जरूर मिल जाएगा। देखिए चिल्का यानी कि चिलकौआ, चिलकौआ और जो कि पक्षी हैं वो तो उड़ेंगे ही ना, तो ये हो गया उड़ीसा, ये भी क्लियर है। नेक्स्ट हरिके झील, इसे हरिके पठान भी कहा जाता है, और यह कहाँ पर है, पंजाब राज्य में। गौर कीजिए यहाँ पे हरिके में हरि जो वर्ड है वो भगवान विष्णु का अन्य नाम है, और भगवान विष्णु जो हैं वो पांच मुख वाले शेष नाग पर सोए रहते हैं। पांच हमारा यहाँ पे आ रहा है पंजाब से, पंजाब में पंजा मतलब पांच होता है, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली आप कैच करेंगे पंजा पांच, पांच मुख वाले शेष नाग और हरि भगवान यानी कि लॉर्ड विष्णु। आपको रिविजन भी करना होगा, मैं आपको बता दूँ वीडियो देखने के बाद रिविजन के लिए आप ये लिस्ट दे सकते हैं, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा एप्लीकेशन में, और एप्लीकेशन में ही आपको मिल जाएगा क्विज, क्विज ये टोटल 42 एमसीक्यू भी होगा, और साथ में जो मैंने एक्स्ट्रा बताया उन सब का भी एमसीक्यू मैं तैयार करूंगा। तो क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन में जाइए और क्विज दे करके अपने आप को रिवाइज भी कीजिए, टेस्ट भी कीजिए अपने आप को। मैं बता दूँ जिनका एंड्रॉयड वर्जन 6 से कम है उनमें ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट देखेंगे नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि सेंचुअरी, यह पंजाब राज्य में स्थित है। फिर से हमारा पंजाब में पांच वर्ड यहाँ पे आ रहा है, पंजाब पांच, और नांगल में नाग वर्ड जो अभी अभी मैंने पिक्चर दिखाया इसमें नाग जो कि हरि भगवान के थे शेष नाग वो पांच मुख वाले थे, तो नाग कितने मुख वाले थे, पांच मुख वाले पंजाब, और हरि भगवान के थे इसलिए उनके उनमें भी ये पाँच से पंजाब। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट
अगला रामसर साइट है कांजली, और यह भी पंजाब राज्य में है। अब यहाँ पे देखिए कांजली में कहीं ना कहीं आपको एक काज वर्ड दिख रहा होगा, काज, काम काज जैसे कहते हैं ना, काम काज। इस बार यहाँ पे पंजाब में जॉब वर्ड है, काम काज ढूंढना यानी कि जॉब ढूंढना। लोगों को ऐसा कहते होंगे कुछ काम काज करो, क्या बैठे रहते हो, मतलब कुछ जॉब करो, कुछ कमाओ धमाओ। तो काज से काजली और पंजाब में जॉब वर्ड, यहाँ ये दोनों रिलेटेड है, याद आना लाजमी है, रिविज़न भी करेंगे याद रहेगा। नेक्स्ट है रोपर, और ये पंजाब राज्य में है। देखिए किसी को यदि पंजा मार दे, पंजा मार देना माना थप्पड़ मार दे, तो क्या होगा, वो रो पड़ेगा, रो पर रो पड़े। क्यों रो पड़े, किसी ने उसको पंजा मार दिया इसलिए रो पड़े, क्लियर है। नेक्स्ट है केशवपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व, और यह पंजाब राज्य में है। केशवपुर यानी कि केस कर दिया कोई, अब जाहिर सी बात है ना, किसी ने पंजा मारा यानी कि थप्पड़ मारा, वो रो पड़ा, तो बदले में कुछ तो करेगा, उसने क्या किया, केस कर दिया। क्यों केस किया, क्योंकि उसने पंजा मारा था। एकदम क्लियरली समझिएगा, रो पड़े क्यों रो पड़े, क्योंकि पंजा मारा था, केस कर दिया क्योंकि उसने पंजा मारा था, यहाँ से एकदम इजी है, पकड़ में आ जाएगा। नेक्स्ट ब्यास संरक्षण रिजर्व, और ये कहाँ पे, पंजाब राज्य में। हमें रिलेट करना है पंजाब में जॉब वर्ड से, अगर हम ब्यास को बॉस कर दें, जो कि प्राइवेट जॉब में बॉस सबसे मेन होता है, बॉस चाहेगा तो जॉब से निकाल देगा, और बॉस चाहेगा तो आपके जॉब में पोस्ट प्रमोट कर देगा या फिर डिमोट कर देगा। तो बॉस मेन होता है किस मामले में, प्राइवेट जॉब में, बॉस से प्राइवेट, जॉब से जॉब हो गया, उसमें बॉस मेन होता है, एकदम यहाँ से क्लियर है। नेक्स्ट सांभर झील, साकंभरी झील भी इसे कहते हैं, और ये राजस्थान राज्य में है। आपको शोले मूवी का एक फेमस डायलॉग याद होगा, जिसमें गब्बर बोलता है अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, और सांभा से यहाँ पे सांभर झील तो हो ही रहा है, और सांभा जो रिप्लाई देता था क्या कहता था, सरदार दो, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे, सरदार दो। देखिए सरदार मतलब क्या होता है, कबीले का राजा, सरदार मतलब राजा होता है, आप जानते हैं ना राजा होता है, तो राजा से राजस्थान राज्य ही याद आएगा, और सांभा है इसलिए सांभर झील, एकदम क्लियर है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये राजस्थान में है। देखिए केवलादेव यानी कि सिर्फ केवल और केवल देव राज करते हों वैसे स्थान को क्या कहते हैं, देव स्थान या फिर राजा का स्थान, इंद्र तो राजा है ना, देवों के राजा, तो केवल देव राज करते हैं इसलिए राजस्थान। अगला हमारा रामसर साइट है पॉइंट कैलिमरे वन्य जीव पक्षी अभ्यारण्य, और यह तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु में कहीं ना कहीं मिलादू एक वर्ड है, मिलादू, और ये रहा पॉइंट, पॉइंट वाला गेम आपने खेला होगा, पॉइंट वाला गेम में क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट मिलाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, और जिसका बॉक्स बन जाए वो जीत जाता है, एक पॉइंट हो गया उसका, तो पॉइंट मिलादू तमिलनाडु, क्लियर ना, समझ रहे होंगे आप, याद रहेगा। नेक्स्ट रुद्र सागर झील, और ये त्रिपुरा है। देखिए इसे रिलेट करना बहुत ही ज़्यादा इजी है, त्रिपुरा यानी कि तीनों लोगों के स्वामी अगर समझे, तो यहाँ पे रुद्र देव जो हैं महेश्वरा शंकर भगवान को कहते हैं, रुद्र देव महेश्वरा, तो रुद्र देव त्रिलोकीनाथ त्रिपुरा, या फिर एक और तरीका है याद रखने का, दोनों तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए रुद्र को कर लीजिए रूट्र, यानी कि रूट, आर डब्ल ओ टी अगर हम कहें तो रूट मतलब क्या होता है, जड़ होता है, और जड़ किसका होता है, पेड़ का होता है, पेड़ को इंग्लिश में ट्री बोलते हैं, तो रूट किसका होता है, ट्री का होता है, ट्री से त्रिपुरा, तो हर एंगल से आपके लिए इजी है, याद रखना। अगला रामसर साइट का नाम है ऊपरी गंगा नदी, जो कि ब्रज घाट से नौरोरा तक विस्तृत है। यह यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहुत सिंपल है, ऊपर को इंग्लिश में हम लोग अप बोलते हैं, यूपी अप माने ऊपर होता है, तो ये तो ऐसे ही रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारे सामने अब है समन पक्षी अभ्यारण, जो कि यूपी में ही है। फिर से हम यहाँ से अगर अप समझे, अप माने ऊपर, तो समान हम कहाँ रख सकते हैं, अगल बगल बाएं दाएं, यानी तो ऊपर रखेंगे, ऊपर नीचे, तो समान हमने कहाँ रखा, ऊपर रखा, आए बाएं दाएं से कोई राज्य का नाम नहीं है, समान हम ऊपर ही रखेंगे, ऊपर से यूपी अप उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है समसपुर पक्षी अभ्यारण, जो कि उत्तर प्रदेश में है। समस को यदि हम समोसा समझे, समोसा, और ये यूपी को हम कर देते हैं यूपी, तो यूपी क्या है, खाने वाली चीज़ें, समोसा यूपी एक साथ हो गया खाने जम के। नेक्स्ट है सैंडी पक्षी अभ्यारण, जो कि यूपी में है, जिसे हम अप पढ़ेंगे, तो अप से अपसेट होता है, अपसेट मतलब दुखी है, और सिमिलर वर्ड यहाँ पे सैड है, सैड मतलब भी दुखी होता है, उदास है, दुखी है, अपसेट है, सैड है, अपसेट है,
रिलेटेड है, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है सरसाई नवार झील, यूपी में ही है। और एक और सुर सरोवर या फिर कीथम झील, ये भी यूपी में है। देखिए कितना फनी वे से दोनों याद होगा। यूपी को हम यूपी समझ सकते हैं, यूपी यूपी जो कि नूडल है, और जब हम खाते हैं तो सुर से सर से खींच लेते हैं एक बार में नूडल को, तो सुर से सर से सरसाई सर से सुर से खींच लिए, किसको खींच लिए, नूडल को। नूडल कौन सा है यहाँ पे, यूपी है। नेक्स्ट है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, और ये यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को। लखनऊ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत ईजी है, आप जानते हैं, ये जीके भी है। नेक्स्ट पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य, और यह कहाँ पे है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। पार्वती को कह लीजिए पर्वत, पर्वत यानी माउंटेन होता है, और माउंटेन तो जानते ही नहीं, एकदम ऊपर तक उठा हुआ, ये पर्वत बोलते हैं ऊपर। मैं बार बार ऊपर वर्ड बोल रहा हूँ, समझ रहे होंगे आप, ऊपर फोर यूपी, एकदम ऊपर तक रहता है क्या, पर्वत, पर्वत पक्षी अभ्यारण्य, याद रहेगा। नेक्स्ट पूर्व कोलकाता वेटलैंड, ये पश्चिम बंगाल में है। अब कोलकाता लगा हुआ तो दूसरा कुछ थोड़े ना होगा। नेक्स्ट सुंदरबन डेल्टा वेटलैंड पक्षी अभयारण्य, ये भी आपको मालूम है, फिर भी यहाँ पे बंगाल, बंगाल को बैंगल को लीजिए, बैंगल मतलब चूड़ी होता है, चूड़ी लोग किस लिए पहनते हैं, सुंदरबन ने के लिए। हम इधर से भी सोच सकते हैं, जैसे हम कहें सुंदरबन तो कैसे सुंदर बनेगा भाई, तो बैंगल पहन के, चूड़ी पहन के सुंदरबन, यहाँ से ये क्लियर है। नेक्स्ट है लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में समझ के हम मुंबई से याद करते हैं, मुंबई में मॉम वर्ड है, मॉम यानी मम्मी की बात कर रहे हैं, जो खाना खिलाती है तो बार बार पूछती हैं लोना और लो, लोना और लोना बेटा और लो, माँ का प्यार क्या कहें, लोना और लोनार, और मुंबई से मॉम, याद आएंगी, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट है आसन बैराज जो कि यूके में है। देखिए आसन मतलब कि आ बेटा, अपने बेटे को कोई घुमाने की बात कर रहा है, तो अपने राज्य में कोई ऐसा राज्य है जो कि लगे कि विदेश जैसा है, देखिए ना यूके लिखा हुआ, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम भी होता है, जबकि यूके मतलब उत्तराखंड भी होता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहे आसन, चल हम यूके घुमाते हैं तुमको। अब वो बेटा खुश कि वाह हम लोग विदेश जा रहे हैं, पता चला कि वो उत्तराखंड जा रहा है। तो आसन कहाँ जाने की बात हो रहा है, यूके, क्लियर ना। नेक्स्ट कबरताल जो कि बिहार में है। कबर मतलब कि कबर खुदना, किसी की हार होना, ये मुहावरा भी है, जानते हैं, किसी की कबर खुदना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ किसी का हार होना, तो हो गया हार से बिहार, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हमारा है सोकार झील जो कि लद्दाख में है। सोकार मतलब कार में सोकर, लदाकर कोई आ रहा है इसको कहेंगे, कार में सोकर आए हैं मतलब कार में लदा के आए हैं एकदम मस्त सोके। इस तरह से ये 42 पॉइंट कंप्लीट हुए, उम्मीद है आपको पसंद आया है। मैंने तो पूरा जी जान लगा दिया इसमें, सोचा मैंने एक पॉइंट आपको न छूटना चाहिए एग्जाम में। उम्मीद है आपको पसंद आ गया। रिवीजन के लिए आप क्विज कॉर्नर एप्लीकेशन यूज कीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, आपका सपोर्ट है तो हमारा मनोबल हमेशा ऊँचा रहेगा, और हम ऐसे और वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन एग्जाम बहुत ही सजाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।